बिहार की राजधानी पटना में सचिवालय पशुपालन विभाग की कई अहम फाइलें चोरी हो गई हैं। बताया जा रहा है कि चुराई गई फाइलें चारा घोटाले की हैं। ये चोरी 25-26 अप्रैल की रात को हुई। बेहद सुरक्षित सचिवालय में चोर घुसे और उन्होंने ताला तोड़कर फाइलें चुराई, जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश नजर आती है। करोड़ों रुपए के चारा घोटाले की करीब 500 फाइलों के गायब होने को लेकर पटना शहर के सचिवालय थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई। 16 मई को दायर कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। इस बीच बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही महागठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को बचाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो कैसे और क्यों लालू प्रसाद यादव को बचा रहे हैं। वहीं इस बीच पशु संसाधन मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने इस बात से इनकार किया है कि जो फाइलें गायब हुई हैं वो करोड़ों रुपए की चारा घोटाले की हैं, क्योंकि घोटाले से संबंधित सभी फाइलें जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी गई हैं। उन्होंने बताया कि सचिवालय थाना में जिन गायब हुई फाइलों को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है वो साल 1997 से 2011 के बीच के अलग विभागीय मामलों की है। बहरहाल अब सवाल ये उठता है कि क्या विभाग की फाइलों का इस कदर चोरी हो जाना विभाग की लापरवाही नहीं है।